ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। चार गलतियां आपकी राशि के जातक हमेशा करते हैं। इन चार गलतियों को अगर आप सुधार लेंगे या इन चार गलतियों को अपने जीवन में आप बदल लेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। और ये मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं या दावा नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कई सारे जातकों ने, खासकर आपकी राशि के जातकों ने इन चार चीज़ों को छोड़ा है, उसके बाद से उनके जीवन में बदलाव हो जाएगा। मैं कहीं भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नशा छोड़े, व्यसन ना करें, ये ना करें। ये तो एक नॉर्मल बात है जो मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता है। जो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारे इशू क्रिएट करवा रहा है, उसमें सबसे पहली बात है अपनी मन की बात आप हर एक किसी के साथ शेयर कर देते हैं। आप बहुत भावुक हैं, बहुत सरल हैं, आप ईमानदार भी हैं। आप जितना ईमानदार आप खुद के प्रति हैं, उतना ही सामने वाले के प्रति भी हैं। और उसी वजह से आप हर एक व्यक्ति को अपने जैसा सरल और सहज समझकर आप अपने मन की बातें बता देते हैं। और इसी मन की बातों को बता देने से हमारी परेशानियां क्रिएट हो जाती है और ये हमें पता भी नहीं होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके जो खास दोस्त हैं, जो दो चार लोगों से ज़्यादा किसी व्यक्ति के जीवन में खास नहीं होते होंगे, उनसे अलावा किसी व्यक्ति के साथ इन बातों को शेयर ना करें। क्योंकि ये बातें, मुझे पता है कि कई बार आदमी इन बातों को बताकर हल्का हो जाता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा तो लगता है लेकिन आप अपनी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके। दूसरी बात है कि बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेना, मतलब तुरंत यकीन कर लेना किसी व्यक्ति पर, ये एक बहुत ख़राब चीज़ है आपके लिए। क्योंकि बार बार धोखा होने के बाद भी आप इन चीज़ों पर नहीं फोकस करके सीख पा रहे हैं। दोस्तों, इन दो बातों को आप जरूर सही करें। एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखो। कुंडली का विश्लेषण अगर करवाना हो तो हमसे आपको करवाना हो, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तीसरी बात है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने पास एक मंत्र जप की शक्ति जरूर रखें। बहुत से जातक मंत्र जप नहीं करते हैं, वो से आधुनिक जो लोग हैं वो सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है और उनके मन में बहुत सी नेगेटिविटी इसके प्रति है। लेकिन मेरा एक निजी अनुभव है कि आपके पास मंत्र जप की शक्ति होगी ना, मंत्र जप में कुछ नहीं करना है आपको। ओम नमः शिवाय मंत्र को घूमते फिरते अपने मन में बस जप करते रहना, एक ऐसी प्रेजेंस होगी कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पॉजिटिविटी होगी, आपके साथ एक सकारात्मक वेव चलेगी। और चौथी बात है कि कुछ भी हो जाए अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें, वो ईश्वर है। ओम नमः शिवाय।